जय हिंद वंदे मातरम स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एम्स के क्यू चैनल पर तो चलिए आज की इस वीडियो में कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी डिटेल से पढ़ेंगे ऐसे तो कांग्रेस के 50 से अधिक अधिवेशन है लेकिन उनमें से कुछ इंपोर्टेंट अधिवेशन है इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते महा इम्पोर्टेंट अधिवेशन है तो चलिए साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले आपको पूरा पी एक बार अच्छे से दिखा देते हैं कि हमने क्वेश्चन को कैसे सेट किया है तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं इसमें कांग्रेस की स्थापना से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है दूसरे स्लाइड में देख सकते हैं कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रमुख कथन को रखा गया है यह प्रश्न जो है पीसीएस लेवल के एग्जाम तक में भी पूछा गया है इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड में देखिए यहां पर कुछ चार इंपॉर्टेंट अधिवेशन को रखा गया है जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे भी अधिवेशन है जो कि एस की प्रीवियस एग्जाम में हर शिफ्ट में ये प्रश्न आए हैं चलिए आप आगे बढ़ते हैं इससे आगे यहां से लेकर एक से लेकर तीस तक प्रश्न रखे गए हैं इंपॉर्टेंट है तो चलिए अब सेशन को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है स्थापना तो बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर अठारह सौ ईस्वी को किया गया इसके संस्थापक कौन थे दूसरा पॉइंट में है संस्थापक तो इसके संस्थापक थे एल एन ऑक्टेवियन ह्यूम जिसका शॉर्ट फॉर्म है एओ ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड से थे याद रखने हैं यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो याद रखना एओ ह्यूम चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट है स्थान यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी और किसके के काल तो कांग्रेस तो की स्थापना पहले नाम क्या था भारतीय राष्ट्रीय संघ था लेकिन इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया किसने तो दादा भाई नी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया याद रखना पूछा एग्जाम कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम किसने बदला था तो दादा भाई नरोजी ने ये भी प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था यहां से इतने सारे पॉइंट बनते हैं सभी पॉइंट्स को याद रखने हैं चलिए अभी साथ आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स आप इस सेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा कैसे डाउनलोड करना है वो आपको सेशन में बता दिया दे जाएगा देखिए दूसरे स्लाइड में कुछ प्रमुख कथन ये बार बार बता रहे हैं कि ये जो है पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा देखिए कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज़ नहीं है ये कथन किसका है तो फिरोज शाह मेहता का है फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जो है ये जनता की आवाज़ नहीं है इस पॉइंट को याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज़ नहीं है कथन किसका है तो फिरोज शाह मेहता का है दूसरा कथन क्या है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था यह कथन डफरीन का है याद रखना है सारे कथन को रख लीजिए तीसरे स्थान पर है कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है यह किसने कहा तो अरविंदो घोष ने याद रखना है नाम याद रख लीजिए अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है चौथा पॉइंट है कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए यह किसने कहा तो महात्मा गांधी ने याद रखना है कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए यह किसने कहा तो महात्मा गांधी ने कहा था चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं फिर से बोल रहे हैं इन चारों पॉइंट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखिए अब यहाँ से आपके कुछ चार इंपॉर्टेंट अधिवेशन है चलिए उनको बता देते हैं तो देखिए सबसे पहला अधिवेशन जो है अठारह सौ पचासी में हुआ स्थान क्या था तो बंबई था और इसका अध्यक्ष कौन थे तो तो व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रखना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ पचास ईस्वी में स्थान कौन सा था तो बंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे याद रखने हैं और इस अधिवेशन में बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था यह अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन

अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब दूसरा जाता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किस अधिवेशन तो अध्यक्षता और ये इलाहाबाद में हुआ याद रखने चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं तो सबसे पहला प्रश्न है कांग्रेस के अठारह के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम फाइव सेकंड का टाइम दिया जाता है अगर आपको इनमें से से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ध्यान दीजिएगा कांग्रेस के अठारह के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किया तो रहीम सयानी ने और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था यह प्रश्न आपके

चौथा प्रश्न है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा गया है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे चलिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दिया है बिल्कुल सही जवाब रास बिहारी बोस याद रखना है और इस अधिवेशन में क्या हुआ था और यह अधिवेशन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन उन्नीस सौ ईस्वी में हुआ था और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल याद रखना यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में हुआ था तो याद रखना है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी रास बिहारी बोस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे फटाफट आंसर करेंगे कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इसका सही जवाब है विशन नारायण धर याद रखना है ऑप्शन ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसी अधिवेशन में जनगणमन मन को पहली बार गाया गया था याद रखना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन तेस्ट इंपोर्टेंट और विव्या प्रश्न है यह भी प्रश्न याद रखना है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कर रहे थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरण मजूमदार याद रखना है अंबिका चरण मजूमदार और इस अधिवेशन में क्या हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया था याद रखना है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कब हुआ था तो उन्नीस के अधिवेशन में याद रखना है उन्नीस के अधिवेशन में विभाजन हुआ था

कौन थे फटाफट से आंसर करते जाएंगे और फ्रेंड्स जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे तो कांग्रेस के उन्नीस सौ सत्रह कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना एनी और एनी बेसेंट बेसेंट और जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो क्या आंसर करना है एनी बेसेंट अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपको राइट आंसर करना है सरोजनी नायडू दोनों को याद रखना है अगर महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा सरोजनी नायडू उन्नीसो के याद रखना है सरोजनी नायडू उन्नीसो के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है कांग्रेस के उन्नीस के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कर रहे थे फटाफट आंसर करेंगे कांग्रेस के उन्नीस के नागपुर अधिवेशन के की अध्यक्षता किसने किया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वीर राघवाचारी ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा वीर राघवा और इसमें क्या हुआ कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हो गया और असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था याद रखना है इसी

कर्नाटक में याद रखना है किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो बेलगांव अधिवेशन याद रखना है उन्नीस में हुआ था नेक्स्ट है कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे फटाफट करेंगे कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इसका सही जवाब क्या है जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाएगा सरोजनी नायडू यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था और यह जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी याद रखने इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है कांग्रेस के उन्नीस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कर रहे थे चलिए आंसर करेंगे कांग्रेस के उन्नीस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे याद रखने

1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या हुआ था इसकी विशेषता है मौलिक अधिकार प्रस्तावित हुआ था यानी कि मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था इसी अधिवेशन में नेक्स्ट है कांग्रेस के उन्नीस के फैजपुर फैजपुर कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कर रहे थे चलिए आंसर करेंगे कांग्रेस के उन्नीस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और याद रखना है ये अधिवेशन जो है पहली बार गाँव में हुआ था याद रखना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है कांग्रेस के उन्नीस सौ सैतालीस के अधिवेशन के, के, के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था इसका सही जवाब है है जेबी जेबी कृपलानी कृपलानी ने ने याद रखना ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यह हुआ था स्वतंत्रता के समय याद रखना इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा रहा है कौन थे तो याद रखना है डब्ल्यू बनर्जी ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यह अधिवेशन हुआ था अठारह सौ पचासी में कहा हुआ था तो बंबई में याद रखना है जिसका अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था फटाफट से आंसर करेंगे चलिए यहां प्रश्न अब ऑब्जेक्टिव रूप में डाल दिया गया है फटाफट से आंसर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे चलिए आंसर करेंगे फटाफट आंसर फटा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे अगर आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब देगा ए ओ ह्यूम याद रखना है स्थापना कब की थी तो अठारह सौ पचासी ईसवी में याद रखना है और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे मूल निवासी थे नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे फटाफट से आंसर करेंगे सभी प्रश्न को ऑब्जेक्टिव रूप में डाल दिया गया है अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ऊपर प्रश्नों को पढ़ा वही प्रश्न आंसर करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इसका राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यह किस अधिवेशन की अध्यक्षता क्या था तो अठारह अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था याद रखने इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है वह कौन सा अंग्रेज था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो बार अध्यक्ष

जवाब हो जाएगा और वो 12वां अधिवेशन था याद रखना है 12वां अधिवेशन था जो कि 1896 ईस्वी में हुआ था याद रखना इंपॉर्टेंट है कोलकाता के 1896 अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी ने की थी जिसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था नेक्स्ट है किस अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था तथा तो इसके अध्यक्ष कौन थे चलिए आंसर करेंगे और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने तीस प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा क्या जाएगा कोलकाता अधिवेशन जो की उन्नीस अधिवेशन अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने क्या था इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था याद रखने चलिए बात करते हैं कि आपका इसको आप इसका पीडीएफ कहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहां पर जाकर आप इस सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और सभी के आंसर भी पीडीएफ में रहेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने याद रखना ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जाएगा दादा भाई नौरोजी ने और कब हुआ था तो अठारह सौ इस में याद रखना है अठारह सौ छियासी ईस्वी में हुआ था यह अधिवेशन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था पहली बार मन गाया गया इसके अध्यक्ष कौन थे फटाफट आंसर करेंगे को घुमा फिरा के रखा गया चलिए आंसर करेंगे इसका सही जवाब ऑप्शन ए विशन नारायण धर याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये कौन सा था तो याद रखना है छब्बीसवां अधिवेशन था याद रखना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कहा गया था कि स्वराज हमारा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा पूछा गया प्रश्न आंसर करेंगे चलिए किस अधिवेशन में तो ये लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 सौ ईस्वी में हुआ था और ये इकतीसवां अधिवेशन था रखना है इकतीसवां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष कौन थे तो अंबिका चरण मजूमदार याद रखने हैं चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी फटाफट आंसर करेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भारतीय नहीं लगा है प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा रहा है राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वह कौन सा अधिवेशन है काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है

day किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ चलिए आंसर करेंगे याद रखना है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने सरोजनी नायडू ने और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चलेगा लाहौर अधिवेशन उन्नीस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ याद रखना है और राज के सेशन का आखिरी प्रश्न है किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार पारित हुआ फटाफट से आंसर करेंगे किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार पारित हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चलेगा कराची अधिवेशन उन्नीस इकतीस ऑप्शन बीस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अध्यक्ष कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे याद रखने हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि अक्सर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद